यदि कोई कन्या आपके पोते के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर ले तो सर्जरी कामयाब है। सागर के नाम का सिंदूर हम कभी भी नहीं हटाएंगे। लल्ला भैया की तबीयत जैसे ही संभली बहू जी ने उन्हें हॉस्टल भेजने का फैसला कर लिया। I love you, सागर। मैंने गंगा को ना ही तो उस नजर से कभी देखा है ना ही कभी देख सकता हूँ। I mean, best friends तो best friends होते हैं, lovers थोड़ी ना बन सकते हैं, right? गंगा? गंगा, nice name. भाई तो लट्टू हो गए गंगा पे, अब तुम्हें ही भाई और गंगा के लिए सब कुछ करना होगा, करोगे ना? तुम सलोनी दीदी को बहुत चाहते हो ना, तुम चाहते हो ना कि वो जीवन भर के लिए तुम्हारी हो जाए? जिसे इतना प्यार करते हो उसे किसी और का क्यों होने दे? कभी नहीं पुलकित भैया, हम अभी के अभी बाबू से बात करेंगे। चलो चलो नहीं गंगा, गंगा मेरी बात सुनो। चलो पुलकित भैया, तुम क्यों नहीं समझ रहे? हम सब समझ रहे हैं, तुम गंगा मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुमसे मत करो। पुलकित भैया कभी तुम मेरी बात सुना करो ना प्लीज। गंगा सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, इसके लिए तैयार नहीं हूँ मैं इस वक्त। और अगर तुम्हारे तैयार होने तक सलोनी दीदी किसी और की हो गई तो? इसीलिए हम कह रहे हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। और बस हमसे ज्यादा बहस मत करो, चुपचाप ही खड़े रहो, समझे? क्या सोच रही हो तुम? बस यही खड़े रहो, हमारे अभी किचन से आ रहे हैं। किचन से? किचन? किचन में क्यों? कका बाबू कितना काम करोगे, ये लो गर्मा गर्म चाय पी लो। क्या बात है गंगा, तुम्हारे राज में तो 10 बार चाय मांगने के बाद 1 बार चाय मिलती है, वो भी लेक्चर के साथ, कि ज्यादा चाय पीना हेल्थ के लिए ठीक नहीं, और आज बिना मांगे ले आई। लो इतने बुरे भी नहीं हैं हम बाबू, ये सब बंद करो। अरे पहले तुम चाय पी लो, हमें पता है इस समय तुम्हें चाय की कितनी जरूरत है। कोर्ट में वकीलों की बहसबाजी, मुलजिम के रिश्तेदारों का रोना धोना, और घर आते समय रोड पे इतना ट्रैफिक, सर दर्द हो गया होगा ना तुम्हारा, और अब फिर से तुम्हें कोर्ट जाना है, फिर से वही सब बहसबाजी, रोना धोना, शोर, इसीलिए तो लाए हैं गर्मा गर्म चाय। एक कप बढ़िया चाय मिल जाए तो सारी थकान दूर हो जाती है। बाबू पुलकित भैया तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं? हमें क्या पता, अब पुलकित भैया से खुद ही पूछ लो ना। पुलकित भैया आ जाओ, पुलकित भैया। बोलो ना पुलकित भैया। ये आपका कोट। कुछ कहने आए हो या अपनी शक्ल दिखाने? जी वो एक्चुअली मुझे आपसे जी वो मुझे आपसे एक्चुअली क्या है ये सब? टाइम नहीं है मेरे पास, कोर्ट पहुंचना है, जल्दी बोलो। पुलकित भैया अपनी बात बोलो ना, इतनी मुश्किल से तो तुम दोनों का आमना सामना हुआ है, बोलो ना। पुलकित बोलो क्या बोलना चाहते हैं? मैं शादी नहीं करना चाहता। ये कहना चाहते थे जी? पुलकित भैया आगे भी तो बोलो। बिल्कुल सही कहा तुमने,
जिंदगी में पहली बार समझदारी की बात की है तुमने। इतने बड़े हो गए लेकिन अब तक सेटल नहीं हुए हो। डोर टू डोर सेल्सगिरी करते फिरते हो। ऐसे लड़की को कोई अपनी लड़की क्यों देगा? कई बार कह चुका आपसे, कंप्यूटर असेंबल करता हूं मैं, सेल्सगिरी नहीं करता। इंस्टॉलेशन करता, मानता अभी बिजनेस थोड़ा सा छोटा है, लेकिन आई एम श्योर बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जब तक तुम 50-60 साल के हो जाओगे तब तक तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, गुप्ता जी के फर्म में जॉब ले लो तो अच्छा हो। आपकी सिफारिश का एक पैसा नहीं चाहिए मुझे, तो फिर जॉब कैसे ले लूं? सिफारिश से काम दिलवाना मुझे भी पसंद नहीं है। अगर क्या करूं, अपनी काबिलियत से कुछ कर सकूं, इस लायक भी तो नहीं हूं। बाबू सुनो ना, तू जानता है ना पापा बहुत परेशान है आजकल, बहुत प्रेशर है काम का उन पर, इसलिए वही तो। हाँ पुलकित भैया, बाबू खुद ही पुलकित सुन तो, पुलकित भैया पुलकित 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 बात तो सुन, कहाँ जा रहे इतने गुस्से में, मेरी बात तो सुन कम से कम। सुना दिया ना उन्होंने सब कुछ, मेरी जिंदगी का फैसला भी सुना दिया आज। अब आप क्या बोलना चाहती हैं मुझे? अरे राम जी, आज फिर से बाप बेटे का आमने सामना हो गया क्या? गर्मा गर्मी हो रही है। जानता हूं मैं उनकी उम्मीदों के हिसाब से कुछ नहीं कर पाया मैं, क्योंकि उनके लिए तो बस एक लॉयर बनना सबसे बड़ा काम है। लेकिन मैं नहीं हूं इस लायक, तो क्या करूं? इसीलिए जब भी उन्हें मौका मिलता है तो बस एक ही चीज कहते हैं कि मैं यूजलेस हूं, नालायक हूं, नाकारा हूं। छोटे बेटे की तरह लॉयर नहीं बन पाए, इसलिए बस सेल्सगिरी करते रहते हूं। हाँ, करते रहता हूं सेल्सगिरी। अरे जब उनका छोटा बेटा उनके सपने को पूरा कर रहा है तो बड़े बेटे को उसकी जिंदगी उसके हिसाब से क्यों नहीं जीने देते? ऐसी क्या जबरदस्ती है? ऐसी बात नहीं है पुलकित भैया। पुलकित बेटा, तेरे पापा जो कहते हैं तेरी भलाई के लिए कहते हैं ना। भलाई? एक इंसान को दिन रात टॉन्ट सुनाना भलाई नहीं होती। अगर वो इसको भलाई कहते हैं तो ऐसी भलाई रखे अपने पास। पुलकित, पुलकित सुन तो, पुलकित। बाप बेटे के बीच में पहले भी कई बार कहा सुनी हुई, लेकिन पुलकित को इतने गुस्से में मैंने नहीं देखा। जरूर कोई बात है बहू, ये कोई बात नहीं होती। नीरू से बात करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। अरे उसे समझना होगा कि पुलकित अब बड़ा हो गया है, इस तरह रोज रोज वो ताने सुनेगा तो चिल्लाएगा ही ना, खुश तो नहीं होगा। मुझे लगता है अम्मा जी बात कुछ और ही है। पुलकित की नाराजगी के पीछे कोई और ही रीजन है, वो कारण है सलोनी दीदी।
हमें नहीं लगता पुलकित भैया कभी भी उस बारे में बाबू से बात कर पाएंगे। हमें ही कुछ करना होगा। तुम्हें पता है? अब क्या कहें? बहुजी से ही जब पुलकित भैया ने सलोनी दीदी के बारे में कुछ नहीं कहा तो हम कैसे? जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। नहीं, हमें ना बहुत जरूरी काम याद आ गया, हम अभी आते हैं। अरे अरे, तू कहाँ चली? तुम्हारे सोने का समय हो गया ना अम्मा जी, तुम बस आराम करो, हम बस तुम्हारे उठने के पहले आ जाएंगे। एकदम पाँव तो टिकते नहीं इस लड़की के घर पे, आंधी तूफान की तरह घूमती रहती है। पूरे बनारस को ना परेशान करके रखेगी ये लड़की। चूनपरी भाई, तुम गंगा के साथ पूरा बनारस घूम लेना, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करना, और मैं सागर के साथ सारी घाट देख लूंगी। हाँ, टेम्पल्स, वाओ, जितना प्यारा शहर उतना ही प्यारा हमारा गाइड। एक मिनट, घूमना फिरना सब ठीक है लेकिन प्लीज ये हमारी डेटिंग वेटिंग के बारे में किसी से मत कहना। भूल कर भी किसी से मत कहना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, वरना मैं क्या। ओके, द थिंग इज बहुत ट्रेडिशनल है मेरी फैमिली, तुम्हारे तरह मॉडर्न नहीं है, मतलब में किसी को ये बात शायद पसंद नहीं है, इसलिए। गंगा को भी नहीं, वो तो समझदार है ना, तुमने तो बताया था कि वो काफी ब्रॉड माइंडेड है। हाँ, ब्रॉड माइंडेड है वो, लेकिन वो बनारस के हिसाब से, लंदन के हिसाब से नहीं। स्पेशली जब ये प्यार व्यार की बातें आती है ना तो वो बहुत सेंटी और डेंजरस हो जाती है, तो इसीलिए उसे तो बिल्कुल भी नहीं बताना। बिल्कुल नहीं, वो बहुत इमोशनल है जान, टेल मी, कुछ भी कर सकती है। व्हाट डू यू मीन? यू नो, हमारी शादी करवाने की जिद लेके बैठ जाए, हमारी फ्यूचर प्लानिंग की बात करने लगे। शादी तो हम करवा के रहेंगे पुलकित भैया की, वो भी सलोनी दीदी के साथ। तुम तो हमें जानते हो ना जेपी, जब बात प्यार और भावनाओं की आती है तो गंगा पीछे कभी नहीं हटेगी और ना ही कभी हार मानेगी। हम जाके देखते हैं कि सलोनी दीदी हमारे पुलकित भैया से बात क्यों नहीं कर रही। हम जाके आते हैं, तुम यही रहना। सजावट, इतने लोग, लगता है कोई फंक्शन है इनके घर में। हम यहाँ पे सलोनी दीदी को कैसे ढूंढेंगे? ढूंढना तो पड़ेगा ही गंगा, पुलकित भैया के प्यार के खातिर हम सलोनी दीदी को ढूंढेंगे। नमस्ते आंटी। नमस्ते, आपका हार बहुत सुंदर है सच्ची। सच में बहुत महंगा है, लेकिन तुम कौन हो? तुमको तो हम पहचानते नहीं। मैं
हम भाभी जी किचन की सारी तैयारी हो चुकी है, एक बार चलकर देख लो। ठीक है तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक। सलोनी दीदी हम उनकी सहेली हैं। अच्छा अच्छा तुम सलोनी की फ्रेंड हो। जी। लेकिन तुमने ये सफेद साड़ी क्यों पहनी हुई है? तुम विधवा हो? नहीं हम विधवा नहीं है, बस विधवा होने का नाटक कर रहे। नाटक? हमारा मतलब हमारे कॉलेज में आज नाटक था ना, तो बस वहीं से सीधे आ रहे हैं, चेंज करने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा अच्छा तो हम जाएं मिलने सलोनी दीदी से। हाँ जाओ। कहाँ है वो? उधर है। इधर जाओ। हेलो नमस्ते। अरे मेहंदी के डिजाइन पर ऐसा नाम लिखेंगे कि दूल्हा ढूंढता ही रह जाएगा। बहुत लकी है हमारी सलोनी कि उसे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। सलोनी दीदी की शादी हो रही है लेकिन वो तो पुलकित भैया से प्यार करती है, फिर किसी और के साथ शादी कैसे कर सकती है? ये पहनू क्या? ये कौन है? फ्रेंड है मेरी। हम अपनी फ्रेंड से अकेले में बात कर सकते हैं? तुम शादी कर रही हो? सलोनी दीदी तुम पुलकित भैया के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो ना, फिर तुमने पुलकित ने यहां भेजा है? नहीं हम खुद ही आए। पुलकित भैया बहुत परेशान है, उन्होंने इतनी बार तुम्हें फोन किया पर तुमसे बात क्यों नहीं कर रही? सलोनी दीदी हमसे बात करो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो सलोनी दीदी? इतने सालों का साथ है तुम दोनों का, इतने बरसों से एक दूसरे को चाहते हो, फिर किसी और के नाम की मेहंदी तुम अपने हाथों में कैसे लगा सकती हो? प्यार जिंदगी में एक बार ही होता है और वो तुमने पुलकित भैया से किया, फिर कहाँ गया वो प्यार? वक्त के साथ प्यार बदलता है, खत्म नहीं होता सोलोनी दीदी। फिर क्यों तुम ये शादी क्यों कर रही हो सोलोनी दीदी? बोलो जवाब दो प्लीज। तुम ऐसे हमसे भाग क्यों रही हो? ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। हमें बताओ ना, हमें याद है सालों पहले भी उन्होंने यही किया था, मैं पुलकित भैया से दूर करने के लिए कहीं बाहर भेज दिया था, आज भी वो यही कर रहे हैं, किसी और से तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। बोलो सलोनी दीदी यही सच है ना, ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही? बोलो ना सलोनी दीदी। ए लड़के कौन है तू जो हमारी बिटिया को हमारे ही घर पे हमारे खिलाफ भड़का रही है? गंगा ही है ना तू, तेरे अलावा ये कोई और हो भी नहीं सकता। इतने भड़काऊ बातें करने के लिए तूने बचपन से लेके आज तक किया ही क्या है, सिवाय इसके कि लोगों की सुकून भरी जिंदगी में जहर घोलने का काम। इतने वर्षों में तेरी शक्ल तो बदल गई मगर अकड़ जिद घमंड वैसी की वैसी है जैसी बचपन में थी। तुझे तो मैं लाखों
करोड़ों में भी पहचान सकता हूँ। तूने हमें जेल भिजवा कर हमारा कैरियर चौपट किया था, वरना आज हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। तुझे कैसे भूल सकते हैं? ये कहाँ फंस गए हम कान्हा जी, अब क्या करें? अब ये बता, तू यहाँ करने क्या आई है? हमारी बेटी की शादी में अड़ंगा लगाने? पापा ऐसा कुछ नहीं। चुप रहो सलोने, हम इस लड़की से बात कर रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन पापा। सुना नहीं तुमने हमने क्या कहा? देखो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है तुमसे, लेकिन तुम सलोनी दीदी की शादी जबरदस्ती नहीं करवा सकते। वो पुलकित भैया से प्यार करती है और पुलकित भैया उनसे, उन दोनों को अलग करने का कोई हक नहीं है तुम्हें। अच्छा अब हमारी बेटी के हाथ पीले करने के लिए हमें तेरी अनुमति लेनी पड़ेगी, वो अधिकार भी खो चुके हम। होश में आजा लड़की, अपनी औकात में रहे। सिक्योरिटी, तूने हमारी सिक्योरिटी पर हाथ उठाया, ले जाओ इसे और कमरे में बंद कर दो। अच्छी से खबर लेना इसकी, ले जाओ।